मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मनी। मनी क्या होती है? हमारी किसी भी नीड के लिए हम लोग को सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? मनी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं उसमें भी हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? मनी की जरूरत होती है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे करेंसी के बारे में कि करेंसी क्या होती है और हम लोग उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग करेंसी की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले द मनी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। वो मनी जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री यानी कि किसी भी देश के द्वारा यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी करेंसी। लाइक हमारे इंडिया की करेंसी देखें तो इंडियन करेंसी कौन सी होती है? हमारी इंडियन करेंसी होती है रुपीज एंड पैसे, ठीक है। तो इंडियन करेंसी कौन सी हो गई हमारी? रुपीज एंड पैसे, ठीक है। ये हमारी इंडिया की करेंसी हो गई। अब हमने क्या करना है, हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। रुपीज को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी? रुपीज के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऊपर देखते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं रुपीज। रुपीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे रुपीज की शॉर्ट फॉर्म होती है। और पैसे की अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखते हैं तो पैसे की शॉर्ट फॉर्म होती है पी, ठीक है। ये तो हो गई इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें सिंगुलर चीज के लिए यूज करना हो, लाइक हमारे पास में 1 पैसा है, तो उसके लिए हम लोग पैसे थोड़ी ना लिखेंगे। पैसे तो मतलब बहुत सारे पैसे हो गए, तो हम लोग एक पर्टिकुलर चीज के लिए मतलब कि सिंगल चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पैसा, ठीक है, 1 पैसा, ठीक है। और अगर रुपीस के लिए हम लोग देखें कि हमारे पास में 1 रुपी है, तो उसके हम लोग क्या यूज करेंगे? रुपीस की जगह ओनली रुपी, बिकॉज हमारे पास में क्या है? सिर्फ 1 रुपी है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रुपी, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पर है 100 पैसे। जब हम 100 पैसे को ऐड करते हैं तब हमारे पास में जाके क्या बनता है? 1 रुपी, ठीक है। इट मीन्स 1 रुपी इक्वल टू कितना हो गया? 100 पैसे। अब अगर मान लो हमारे पास में 8 रुपीज है, तो उसको हम लोग पैसे में कैसे लिखेंगे? हमने उसको क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर हमारे पास में वो फॉर्म किस में आ जाएगी? पैसे की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी मनी को, लाइक हमारे पास में 10 रुपीज एंड 10 पैसे, ठीक है, 10 रुपीज एंड 10 पैसे, इसको अगर हम लोग वर्ड्स में या फिर फिगर्स में, फिगर्स में तो ये पहले से लिखा हुआ है, इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारा रुपीज का साइन है उसको पहले लिखना होगा, रुपीज 10, ठीक है, एंड पैसे, एंड पैसे 10। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्ड्स में किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी भी मनी को वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे रुपीज, देन 10 एंड पैसे 10, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी रुपीज को, अमाउंट को क्या कर सकते हैं? वर्ड्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास में कोई अमाउंट है, मान लो 8 रुपीज, ठीक है, ये अमाउंट है हमारे पास में, इसको हमें बोला गया कि इसको फिगर्स में लिखना है। फिगर्स में इस अमाउंट को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा?
हमारा जो रुपीज का साइन है कौन सा वाला, शॉर्ट फॉर्म में हमारा कौन सा साइन था, ये रेड आर वाला, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे रुपीज, कितने रुपीज है हमारे पास में, 8 रुपीज, ठीक है। 8 रुपीज लिखने के बाद में, रुपीज की जितनी भी अमाउंट है उसको लिखने के बाद में हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद में जो पैसे होते हैं उसके लिए 2 डिजिट्स होते हैं हमारे पास में। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल डिजिट दिया गया है, इसको हम लिखेंगे राइट साइड में, सबसे राइट साइड में लिखने के बाद में इसको क्या करना है, इसके आगे ये 0 लगा देना है, हो गए पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स। इस तरीके से हम लोग किसी भी वर्डिंग वाली फॉर्म को फिगर्स में डिनोट कर सकते हैं और फिगर वाली फॉर्म को हमें वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम लोग मनी को वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे और फिगर्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में एग्जांपल, राइट द अमाउंट इन फिगर्स, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, हमारे अमाउंट को फिगर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। फर्स्ट अमाउंट है हमारा, ए ऑप्शन है, 5 रुपीज 20 पैसे, ठीक है। सेकेंड है हमारा बी ऑप्शन, 25 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा सी वाला, 50 पैसे ओनली, और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 7 रुपीज, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, फिगर्स वाली फॉर्म में राइट करना है। हम एग्जांपल का आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करेंगे हम। इनका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 रुपीज एंड 20 पैसे। तो हम लोग को फिगर्स में राइट करने के लिए सबसे पहले तो किसका साइन लगाना होगा, रुपीज वाला साइन लगाना होगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। रुपीज का साइन लगाने के बाद में हमने देखना है कि कितने रुपीज है हमारे पास में, तो उस रुपी को लिखना है, ठीक है। लाइक हमने राइट कर दिया यहाँ पे 5 रुपीज, ठीक है। रुपीज को राइट करने के बाद में हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, और उसके बाद में जो हमारी पैसे वाली फॉर्म है, यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स पहले से दिए गए, तो हमने इस तरीके से इसको राइट कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन हम देखते हैं, 25 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है। रुपीज वाला साइन लगाना है, रुपीज का अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद में क्या लगाना है, पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद में हमने क्या लिख देना है, पैसे वाला जो अमाउंट था वो लिख देना है, ठीक है। सी ऑप्शन हम देखते हैं, सी ऑप्शन में हमारे पास में सिर्फ पैसे का अमाउंट है, रुपीज का कोई अमाउंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, रुपीज का अमाउंट नहीं है तो हमने उसको क्या कर देना है, 0 क्या कर देंगे। अगर हमारे पास में रुपीज का कोई अमाउंट नहीं है तो उसके लिए हमें हमारे अमाउंट को क्या कर देना है, 0। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0, फिर लगा देना है पॉइंट, और जो हमारे पैसे का अमाउंट है उसको राइट कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसे का अमाउंट रुपीज में, ठीक है। डी ऑप्शन हम देखते हैं, 7 रुपीज, यहाँ पर हमारे पास में पैसे का अमाउंट नहीं है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और पैसे के अमाउंट के लिए हमें 2 डिजिट लगाने पड़ते हैं, तो 7.00, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हमारे जो फॉर्म्स हैं उसको फिगर्स में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। अब हमारा जो अमाउंट होगा उसको हमें किसमें रिप्रेजेंट करना होगा, वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। इसके लिए भी हम लोग कुछ ऑप्शन लेंगे। फर्स्ट वाला है ₹70.80, ठीक है। सेकेंड है 0.70, थर्ड है
सिक्स, और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारे पास में फोर अमाउंट्स हैं, इनको हमें वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, ए ऑप्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या है हमारे पास में 70.80, ठीक है। इसको हम लोग जब वर्ड्स में लिखेंगे 70.80 को, तो हम लोग को वर्ड्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो रुपीज के साइन को वर्ड्स में लिखेंगे हम लोग, तो हमने लिख दिया रुपीज 70, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैसे में लिखना है, एंड पैसे कितने हैं हमारे पास में 80, ठीक है, तो 80 पैसे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, 0.70 रुपीज, ठीक है। 0.70 रुपीज को हमें वर्ड्स में राइट करना है, तो यहां पर हमारे पास में रुपीज तो है ही नहीं, ओनली क्या है पैसे, तो हमने इसको राइट करने के लिए क्या लिखना होगा, ओनली पैसे 70, ठीक है, ये हो गया हमारा। थर्ड देखते हैं हम लोग सी वाला ऑप्शन, रुपीज 6, तो यहां पर हमारे पास में ओनली रुपीज है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली रुपीज लिख देंगे और उसका अमाउंट, ठीक है, ये हो गया रुपीज 6। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, रेड 0.05, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे अमाउंट को लिखना पड़ेगा पैसे 5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे कितने पैसे हैं, ओनली 5 पैसे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी अमाउंट को वर्ड्स में और फिगर्स में क्या कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमारी क्या है, टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे। अब हमें हमारे जो रुपीज वाला अमाउंट है उसको किसमें कन्वर्ट करके लिखना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लाइक हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ रुपीज बाय 100, ठीक है। हमने हमारे अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरीके से हमने एक एग्जांपल देखा था, अब फिर से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं इसको। एग्जांपल, कन्वर्ट 20 रुपीज इंटू पैसे, हमने हमारे अमाउंट जो 20 रुपीज है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। पैसे में हमारे अमाउंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, देन आंसर इज 2000, ठीक है। जब हम लोग 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 2000, ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 2000। ये हमारा अमाउंट किसमें हो जाएगा, पैसे में, तो इसके आगे हमने साइन भी लगा देना है 2000 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमने पैसे को रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास में एक सिचुएशन और बनती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में रुपीज एंड पैसे दोनों गिवन होते हैं, उनको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ओनली पैसे में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इंटू पैसे, ठीक है। अब हमें हमारा जो रुपीज एंड पैसे वाला अमाउंट है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी
हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ रुपीज, द अमाउंट ऑफ रुपीज बाय 100 एंड एट द अमाउंट ऑफ पैसे, एट द अमाउंट ऑफ पैसे इन इट. ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ रुपीज बाय 100. सबसे पहले हमें करना पड़ेगा हमारा जो अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई, जो हमारा रुपीज का अमाउंट है, और उसके बाद में जो हमारा पैसे का अमाउंट है उसको उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है. लाइक हम एक एग्जांपल देखते हैं, सॉरी एग्जांपल हम देखते हैं फर्स्ट पे. कन्वर्ट 30 रुपीज 50 पैसे इंटू पैसे. ठीक है, हमने यहां पर क्या करना है, हमारा जो 30 रुपीज 50 पैसे है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम लोग हमारा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले जो हमारा गिवन अमाउंट है उसको इस तरीके से राइट कर लेना है, 30 रुपीज प्लस 50 पैसे. ठीक है, हमने इन दोनों को क्या कर देना है, सेपरेट कर लेना है. अब हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना तो आता है, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, हमने 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारी फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी. देन हमने लिखना है 50 पैसे, जो हमारा अमाउंट बचा हुआ था. ठीक है, लिख दिया हमने इस तरीके से कन्वर्ट करके. अब हम देखेंगे यहां पर जो हमारी फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 3000 पैसे, 3000 पैसे प्लस 50 पैसे. ठीक है, हो गया हमारा अमाउंट. अब हमने क्या करना है, इसका फाइनल आंसर लिख देना है. ठीक है, फाइनल आंसर हम ऊपर लिख रहे हैं. आप लोगों को ये जो डेफिनेशंस में लिखते जा रही हूँ ये नोट में भी लिखते जाइए अपने. ठीक है, और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3050 पैसे. तो हमारा ये आंसर आ गया. हमने क्या कर दिया, रुपीज और पैसे में जो अमाउंट हमें गिवन था उसको हमने किसमें कन्वर्ट करके लिखना है, पैसे में कन्वर्ट करके लिखना है. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमें यही अमाउंट फिगर्स में दिया हुआ होता. ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड हम देखेंगे, अगर हमें ये अमाउंट फिगर्स में दिया हुआ है, कन्वर्ट रेड 80.50 इंटू पैसे. ठीक है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है. उसके लिए हमें फिर से वही सॉल्यूशन करना होगा, सॉल्यूशन अलग अलग राइट करना होगा इसको, 80 प्लस 0.50. ठीक है, ये तो है रुपीज हमारे और ये क्या है हमारा, पैसे. ठीक है, अब हमारा रुपीज के अमाउंट को किस में कन्वर्ट करना है, हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. ठीक है, यहां पर हम लोग 0.50 लिखने के बजाय हमने डायरेक्ट क्या लिखना है, ओनली 50, क्योंकि हमने यहां पर अमाउंट किसका लिखना है, पैसे का अमाउंट लिखना है, और पैसे के अमाउंट के लिए हमें पॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे. ठीक है, पॉइंट के बाद की कोई भी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. अब इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हमारी फॉर्म हो जाएगी पैसे की, और ये 50 हमारा पहले से ही पैसे की फॉर्म में कन्वर्टेड है. ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 8000 पैसे प्लस 50 पैसे. ठीक है, देन फाइनल आंसर इज 8050 पैसे. ये हमारा अमाउंट जो फिगर्स में दिया गया था हमें, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में
कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनती है, कन्वर्ट एन अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स इनटू पैसे, जिसको हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, फोर्थ सिचुएशन हमारी बनती है कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन इन पैसे इनटू रुपीस एंड पैसे। ठीक है, हमारा अमाउंट गिवन है, फोर्थ सिचुएशन है हमारी कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन इनटू पैसे गिवन इन पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। ठीक है, यहां पर हमारा जो गिवन अमाउंट है उसको हमने क्या करना है, जो पैसे में गिवन अमाउंट होगा उसको रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रुपीज एंड पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा जो अमाउंट है उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जांपल, कन्वर्ट 5060 पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लगाना है, रुपीस का साइन लगाना है। उसके बाद में यहां से हमने राइट साइड में स्टार्ट करना है, राइट साइड से टू डिजिट्स को हमने छोड़ना है। उसके बाद में क्या लगा देना है, पॉइंट, और फिर हमने लिख देना है जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, राइट 50.60। ठीक है, तो रुपीस कितने हो गए इसमें, इक्वल टू 50 रुपीस 60 पैसे। ठीक है, ये हमारा अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो गया, रुपीस एंड पैसे में। इसी तरीके से हमारे को हमारे जो बाकी इक्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है,